हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीसीए का बीसीए 062 जिसका नेम है ई कॉमर्स। इसका ब्लॉक टू हम ब्लॉक वन पिछले वीडियोस में पढ़ चुके थे। आज हम ब्लॉक टू पढ़ेंगे जिसका नेम है प्रैक्टिसेस इन ई कॉमर्स। इसका यूनिट 5 भी हम पढ़ चुके हैं और यूनिट 6 का नेम है ई सिक्योरिटी एंड लीगल इश्यूज, जिसके हम तीन टॉपिक पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले डिजिटल सिग्नेचर एंड फाइल होल्ड के बारे में और इंट्रोडक्शन टू आईटी 2000 क्या होता है, साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, साइबर लॉज क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर। तो जैसे क्या है कि जो डिजिटल सिग्नेचर होता है इज अ मैथमेटिकल टेक्निक यूज टू वैलिडेट द ऑथेंटिसिटी इंटीग्रिटी ऑफ मैसेज सॉफ्टवेयर और डिजिटल डॉक्यूमेंट। ठीक है, इट्स द डिजिटल इक्विवेलेंट और ऑफ अ हैंड रिटन सिग्नेचर और स्टैम्प सील, बट इट ऑफर्स फॉर मोर इनहेरिटेंस सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो भी हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर होते हैं वो क्या होता है, एक मैथमेटिकल टेक्निक होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं, ये वैलिडेट करता है किसी भी ऑथेंटिसिटी, मतलब ये जो है जिससे हमें चाहिए, मतलब सेंडर ने मैसेज भेजा है तो ये वही सेंडर है क्या जिससे हमें मतलब कोई भी मैसेज चाहिए था, या फिर उसकी इंटीग्रिटी, मैसेज की इंटीग्रिटी कि मैसेज जो है क्या वही लिखा हुआ है या फिर कुछ अनडिसेंट लिखा है, मतलब कुछ गलत कर दिया उसके साथ में। ठीक है, सॉफ्टवेयर और डिजिटल डॉक्यूमेंट में। ठीक है, इस द डिजिटल इक्विवेलेंट ऑफ, मतलब ये किसके इक्विवेलेंट होता है, हैंड रिटन सिग्नेचर और स्टैम्प सील के। ठीक है, बट इट ऑफर फार मोर इनहेरिटेंस सिक्योरिटी, लेकिन इसमें कुछ और भी ज्यादा इनहेरिटेंस सिक्योरिटी होती है। अब यहाँ पर देखो, कुछ ये सेंडर है और ये रिसीवर है, तो आप इन दोनों को कोई भी नेम दे सकते हो, जैसे इसका नेम है राम और मान लो इसका नेम है श्याम। ठीक है, तो ये हमारे पास राम हो गया और ये हमारे पास श्याम हो गया। तो राम और श्याम आपस में बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दो की जनरेट होती है। ठीक है, सेंडर के पास दो की होती है, एक उसकी पब्लिक की होती है, एक उसकी प्राइवेट की होती है। रिसीवर के पास भी दो कीज होती हैं। ठीक है, एक होती है उसकी पब्लिक की और दूसरी होती है उसके पास प्राइवेट की। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट की। तो यहाँ पर जो है, अब कोई भी की जनरेट होगी तो इसकी सेंडर की पब्लिक की के बारे में रिसीवर को पता होगा, रिसीवर की पब्लिक की के बारे में सेंडर को पता होगा, लेकिन इन दोनों की जो प्राइवेट की है उन दोनों को आपस में एक दूसरे के बारे में नहीं पता होगा। जैसे प्राइवेट की इसकी है, राम की कोई प्राइवेट की है तो रिसीवर को यानी कि श्याम को उसके बारे में नहीं पता होगा, और जो श्याम की प्राइवेट की है उसके बारे में सेंडर को यानी कि राम को नहीं पता होगा। पर जब ये आपस में अभी देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जब इसने कोई भी मैसेज भेजना है तो सबसे पहले क्या करेगा, साइनिंग एल्गोरिथम यूज करके ठीक है उस चीज को साइन करेगा। ठीक है, और मैसेज, कोई भी मैसेज जो भी इसको भेजना है वो। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, इसकी पब्लिक की के बारे में तो इसको पता है। ठीक है, पर यहाँ पर क्या है, जब इसने साइन इन किया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसकी ऑथेंटिसिटी का पता चला कि हाँ ये वही पर्सन है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर क्या है, हमारे पास मैसेज आया, तो इस मैसेज को यहाँ पर जाके क्या करा जाएगा, वेरीफाई करा जाएगा कि ये मैसेज जो है इंटीग्रेटेड है, मतलब कि जो इसके साथ कोई छेड़खानी तो नहीं है। फिर उसके बाद में जब ये पर्सन इसको वेरीफाई कर लेगा तो ये मैसेज को रीड कर सकता है यहाँ पर जाकर। ठीक है, तो इस मैसेज में जो होगा सेम वही चीज़ें यहाँ पर आएगी। तो ये किसके थ्रू, मतलब कि ये पब्लिक की किसकी होगी, ये पब्लिक की होगी हमारी सेंडर की, जिसकी वजह से ये जो रिसीवर है इसको ऑथेंटिक मतलब वेरीफाई कर पाएगा कि ये वही पर्सन है। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। उसके बाद चलते हैं फायरवॉल की तरफ। तो फायरवॉल क्या होता है, या तो हार्डवेयर हो सकता है या सॉफ्टवेयर हो सकता है या इन दोनों का मिक्सचर हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, जो क्या होता है, बेस्ड सिस्टम होता है दैट फिल्टर पैकेट, ये क्या करता है, पैकेट्स को प्रिवेंट करता है, मतलब फिल्टर करता है पैकेट्स को और प्रिवेंट करता है पैकेट्स फ्रॉम एंटरिंग द नेटवर्क बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी पॉलिसी। जो इसकी सिक्योरिटी पॉलिसी है फायरवॉल की, ठीक है, उस सिक्योरिटी पॉलिसी को जो चीज़ एक्सेप्ट करती है, मतलब जो फुलफिल कर पाती है उसको क्या करता है, ये एक्सेप्ट कर लेता है, और जो फुलफिल नहीं कर पाती है उसको क्या कर देता है, ये रिजेक्ट कर देता है, मतलब अपने अंदर से पास नहीं होने देता। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक मेट्रो स्टेशन। ठीक है, जब आप मेट्रो स्टेशन में एंटर करते हो तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, आपको भी क्या करना पड़ता है, एक सिक्योरिटी का जो लगा होता है वो, उसके अंदर से आपको क्या करना पड़ता है, पास होना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप उनकी पॉलिसी को फुलफिल कर पा रहे हो, मतलब कि आपके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जो मेट्रो स्टेशन को हानि पहुंचा सकता है या फिर उसमें बैठे हुए लोगों को कोई चीज़, मतलब कोई
चीज से कुछ लग सकता है, या कुछ इस तरह की नाइफ या फिर कैरोसिन या फिर गैस सिलेंडर वगैरह ले जाने नहीं देते ना, तो वहां पर क्या होता है, इन सब चीजों को चेक किया जाता है। अगर आपके पास ऐसा कुछ उपकरण है तो आपको क्या किया जाता है, आपको मेट्रो स्टेशन में घुसने नहीं दिया जाता। लेकिन अगर आपके पास में ऐसी चीजें नहीं है तो आपको क्या किया जाता है, मेट्रो स्टेशन में वेलकम किया जाता है, अंदर जाने दिया जाता है, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या होता है, आपको सिक्योरिटी का जो ये लगा होता है उसके अंदर से आपको क्या करना पड़ता है, पास होना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका चेकिंग होती है। तो इसी तरह से जो इंटरनेट पे काफी सारी चीजें हैं जो हमारे सिस्टम को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, ठीक है, ठीके? तो उसी सब चीजों को देखने के लिए यहाँ पर हम फायरवॉल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी, ये देखो यहाँ पर क्या है, जो अनएक्सपेक्टेड, मतलब कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमारे सिस्टम को या फिर हमारी मेमोरीज को या फिर हमारे डेटा को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो उन सब चीजों से हमारे सिस्टम को प्रिवेंट करता है कौन, फायरवॉल, ठीक है। तो इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं। इसके 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है पैकेट फिल्टर फायरवॉल, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल एंड एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल। तो एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। पैकेट फिल्टर फायरवॉल होता है, ये किस पे काम करता है, OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पर काम करता है, ठीक है। इसके अंदर से कोई भी, इस फायरवॉल के अंदर से पैकेट्स को अंदर ले जाना या बाहर ले जाने के लिए एनालाइज किया जाता है। ये पैकेट्स को क्या करता है, एनालाइज करता है। उसके बाद आता है हमारा स्टेटफुल इंस्पेक्टर फायरवॉल, जिसके अंदर क्या होता है, ये डायनेमिक फायरवॉल होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पैकेट्स होते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराता है, ठीक है, ज़्यादा सुरक्षा प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल ये जो जितने भी अनुप्रयोगों की प्रक्रिया हो उसको क्या करता है, एकल सर्वर पर केंद्रित कर देता है। अब उसके बाद है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल। इसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन फायरवॉल की सूचना के आधार पर पैकेट्स को अपने से गुजरने देता है तथा पैकेट्स को रोक देता है, मतलब जो ठीक है उसको जाने देता है और जो नहीं ठीक है उसको नहीं जाने देता है, ठीक है। एप्लीकेशन की सूचना पैकेट्स में उपलब्ध होती है, ठीक है। एप्लीकेशन मतलब जो भी एप्लीकेशन है, क्या है, सब कुछ क्या होता है, पैकेट्स के अंदर उपलब्ध होता है। ये फायरवॉल एक प्रकार का प्रॉक्सी सर्वर है जो कि एप्लीकेशन को प्रॉक्सी उपलब्ध कराता है, ठीक है। ये हमारा कुछ फायरवॉल का इंट्रोडक्शन था कि कितने कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये काम करता है और क्या क्या इसके एडवांटेज, क्या यूजेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर इनके बेसिस लिखे हुए हैं, इक्विवेलेंट क्या है, ठीक है, इवेल्यूएशन मूल्यांकन, ठीक है। पैकेट फिल्टर फायरवॉल इसमें क्या होता है कि इक्विलेट होता है द हेडर्स ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैकेट्स, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, जो क्या करता है, इक्विलेट द स्टेट ऑफ TCP कनेक्शन, ये ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कनेक्शंस को देखता है। उसके बाद है हमारे पास प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल, ये क्या करता है, एक्ट्स एज इंटरमीडिएटरी बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल IP, जो हमारा इंटरनेट इंटरनल और एक्सटर्नल IP होता है उसके बीच में मध्यस्थता का रोल प्ले करता है। एड्रेस एंड ब्लॉक्स डायरेक्ट एक्सेस टू इंटरनल नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल, इसमें क्या होता है, इंक्लूड्स फिल्टरिंग कैपेबिलिटी एंड एडिशनल वैलिडिटी ऑफ पैकेज कंटेंट बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन, की एप्लीकेशन पे जो भी बेस्ड है उसकी उसको फिल्टर करता है, कैपेबिलिटी देखता है, एडिशन करता है, वैलिडेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर की जाती है। उसके बाद इनका यूजेस क्या क्या है, तो हमारा जो पैकेट फिल्टर फायरवॉल है उसका यूज़ किया जाता है, ऑफिस में, जो हमारे पास स्मॉल ऑफिसेज हैं या फिर होम ऑफिस हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद है स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, इम्बंडेंट इनबाउंड नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है। उसके बाद है प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल, डोमेन नेम सर्वर, मेल नेम सर्वर, ठीक है, एंड वेब सर्वर, इन सब चीज़ों पर इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल, इसमें क्या होता है, टेलनेट या फिर FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इन सब चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है एडवांटेज, तो पैकेट फिल्टर फायरवॉल जो है उसका एडवांटेज क्या है, फास्ट परफॉर्मेंस होती है, किससे, एप्लीकेशन फायरवॉल से, ठीक है। इफेक्टिव होता है एंड ट्रांसपेरेंट टू यूजर, यूजर के लिए ट्रांसपेरेंट होता है। स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल ये क्या होता है, फास्टर होता है, किससे, एप्लीकेशन से, ठीक है, एप्लीकेशन फायरवॉल से। उसके बाद है प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल, इफेक्टिवली हाइड्स करता है
ट्रू नेटवर्क एड्रेस, कि जो सच्चा है नेटवर्क एड्रेस है उसको क्या करता है, हाइड करता है, छुपाता है। ठीक है, एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल, इसमें क्या होता है, पैकेट्स आर इक्विवेलेंट कम्प्लीटली। इसमें क्या होता है, जो हमारे पैकेट्स होते हैं उसको क्या करता है, ये पूरी तरह से उनका मूल्यांकन करता है। ठीक है, किस तरह से क्या क्या है ये भी हमने देखा था कि क्या करता है, उसको फिल्टर करता है, कैपेबिलिटी देखता है, एडिशन वैलिडेशन, ये सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं। तो इसके ये इसका एक एडवांटेज हो जाता है कि इसको पूरी तरह से इवेल्यूएट करता है। उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेज है, फिल्टर पैकेट, जो हमारा पैकेट फिल्टर फायरवॉल होता है, डज नॉट सपोर्ट एडवांस्ड यूजर ऑथेंटिकेशन। ये क्या करता है, एडवांस यूजर ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट नहीं करता है। स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है देन फायरवॉल अदर फायरवॉल्स। ठीक है, जो भी हमारे अदर फायरवॉल से लगे, जैसे पैकेट फिल्टर फायरवॉल, प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल, एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल, तो इन सबसे क्या है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एंड इनकैपेबल विथ सम प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद है प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल, इनकैपेबल विद ऑल नेटवर्क। ठीक है, ऑल नेटवर्क प्रोटोकॉल पे इनकैपेबल है। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं कि सब पे ही काम कर पाएगा। एंड कॉन्फिग्रेशन ग्रीन दीज प्रॉक्सी इन इज डिफिकल्ट। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल। ये क्या होता है, डिसएडवांटेजेस की टाइम takes for evaluating each packet slow network traffic and limited support for new network application is provided। तो ये क्या है, जब इतना सब कुछ करता है, काफी अच्छे से evaluate करता है, तो ये क्या है, slow भी है। ठीक है, और क्या ये क्या करता है, ज़्यादा जब स्लो है तो क्या होता है, इसकी वजह से ट्रैफिक हो जाते हैं, लिमिटेड सपोर्ट होती है फॉर न्यू नेटवर्क एप्लीकेशन इज प्रोवाइडेड। तो अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन टू आईटी एक्ट पे। आईटी एक्ट 2000 के बारे में जानते हैं। तो ये क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इट इज टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्नाइजेशन फॉर ट्रांजेक्शन carried out by means of electronic communication। ठीक है, और information technology act 2000 based, मतलब ये क्या है, देखो जो हमारा information technology act 2000 है, it is provided legal recognition for transaction carried out the means of electronic communication। जब हम electronic communication करते हैं, ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, e-commerce पढ़ रहे हैं, तो हम किससे जुड़े हुए हैं, हम internet से जुड़े हुए हैं, तभी हम क्या कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं। तो इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें से रिलेटेड दिक्कत हो जाती है, जैसे कि कई हमारी क्या होता है कि हमारी जो कंपनी का नेम है वो किसी ने चुरा लिया, तो हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर आती हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज बेस्ड ऑन UNICITRAL, जिसका फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशनल कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ मॉड्यूल लॉ। ठीक है, तो इसके अंदर जो इसका शॉर्ट नेम शॉर्ट टाइटल है वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, ये जो डेट है इसकी एनहांसमेंट की वो थी 9 जून 2000, लेकिन जब ये कब लागू किया गया था, 17 अक्टूबर 2000, उसके बाद में जो एक्सटेंड मतलब कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, तो होल ऑफ इंडिया में। ठीक है, इंडिया में, पूरी इंडिया में। तो इसके आगे हम आगे पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू आईटी एक्ट 2000, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इश्यूज डील बाय द आईटी एक्ट। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी है उसको देखना। ठीक है, जैसे कि क्या है हमारे, जैसे कि मेल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उन सबको वैलिडेट करना कोर्ट के अंदर, कि ये जो है, पहले क्या होता था कि जब हम इलेक्ट्रॉनिकली मतलब कि ई कॉमर्स वगैरह पे इतना नहीं था, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे एविडेंस, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी, है ना, क्योंकि हमें थोड़ी ये दिखाना पड़ता था कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है हमारे पास, हमने इस जगह से ये परचेज़ किया, ये सब दिखाने की जरूरत थोड़ी पड़ती थी। लेकिन अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है आज के टाइम में, तो हमारे पास मेल्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम कोर्ट में जाकर बता सकते हैं कि हाँ, हमने इस दुकान से ये परचेज़ किया था और हमारे साथ ये चीज़ फ्रॉड हुई है या ये कुछ हुआ है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है हमारे पास, ठीक है, जो क्या है, कोर्ट में भी लागू है। पर वो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हमारे पास क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। उसके बाद है लीगल रिकॉग्नाइजेशन और डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर में क्या है, दोनों पार्टीज को क्या करा जाता है, वेरीफाई किया जाता है, ठीक है, कि मतलब ये पार्टी भी क्या है, ऑथेंटिसिटी है इसके अंदर भी और दूसरी पार्टी में भी ऑथेंटिसिटी है, तो मतलब दोनों के पास ही होना चाहिए डिजिटल सिग्नेचर।
यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, ठीक है, ये जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज में. उसके बाद है रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में भी ये देखा जाता है. उसके बाद कुछ इशूज हैं, ठीक है, जिसके साथ में ये डील करता है. और उसके बाद में हम आगे चलते हैं जो क्या है, साइबर क्राइम. तो साइबर क्राइम क्या है, साइबर का मतलब क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी, जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी या फिर और भी जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसकी यूज करके जो भी क्राइम होता है उसको हम साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं, ठीक है. साइबर क्राइम्स आर रेफर्स टू एनी एक्ट ऑफ कॉजिंग फाइनेंशियल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस टू एनी अदर पार्टी विद द यूज ऑफ कंप्यूटर और साइबर मीडिया. कुछ और मीडिया भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल फोन वगैरह वगैरह कुछ भी, ठीक है. इट्स इंक्लूड हैकिंग, स्पैम या फिर प्रोनोग्राफी एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इसके साथ होती हैं, ठीक है. अब इसके बाद है साइबर क्राइम कैन बी क्लासिफाई ऑन द फॉलोइंग बेसिस, ठीक है. अगेंस्ट पर्सन, किसी पर्सन के अगेंस्ट हो सकता है, कि मतलब जरूरी थोड़ी है कि एक पर्सन अगर अकेला इंडिविजुअल पर्सन है तो उसके साथ में कोई कुछ गलत नहीं कर सकता. कर सकता है बिल्कुल, उसको अब्यूज कर सकता है, उसकी वीडियो ऑडियो या फिर उसकी पिक्चर्स का भी मिसयूज कर सकता है. तो ये क्या हो गया कि एक इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट कोई साइबर क्राइम हो रहा है, ठीक है. अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है इसके इसका मतलब क्या है कि कोई भी जैसे कोई एक हमारी कोई कंपनी है उसका ट्रेडमार्क है, उसका कुछ मिसयूज कर लिया, ठीक है, या फिर हमारा कोई कॉपीराइट है या फिर कोई पेटेंट है, उन सब चीज़ों को क्या है, मिसयूज कर लिया, ठीक है. उस वो सब क्या हो गए इसके अंदर आते हैं अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, ठीक है. उसके बाद है अगेंस्ट गवर्नमेंट या फिर कॉरपोरेट एंटिटीज. तो इसमें क्या है कि जो हमारे पास मिलिट्री की वेबसाइट्स हैं या फिर कुछ ऐसे टेररिस्ट वगैरह हैं जो एंटर हो जाते हैं और हमारी मिलिट्री की वेबसाइट है या फिर हमारी कुछ गवर्नमेंट्स के रूल्स हैं या उनकी कोई भी पॉलिसी वगैरह है, तो उसको क्या कर रही है, किसी तरह से नुकसान पहुंचा रही है, तो वो क्या हो गया अगेंस्ट गवर्नमेंट या फिर कॉपरेटिव एंटिटीज़. उसके बाद है अगेंस्ट सोसाइटी एट लार्ज, मतलब सोसाइटी काफ़ी बड़े स्तर पर जहाँ पर हमारी सोसाइटी है, मतलब कि हमारी सोसाइटी को किसी भी तरह से साइबर क्राइम का यूज़ करके उसको गंदा करना या फिर कुछ ऐसा करना उसके साथ में कि वो हमारे लिए गलत है, जैसे कि पोर्नोग्राफी या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस, सेल्स ऑफ इलीगल आर्टिकल लाइक नाइक्रोटेक्स और कुछ अलग, ठीक है. उसके बाद है ऑनलाइन गैम्बलिंग या फिर मैनिपुलेटिंग इन मार्कशीट, ठीक है. मार्कशीट के साथ भी आजकल लोग छेड़छाड़ कर देते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट के साथ भी कर देते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज करके, ठीक है. तो ये सारे हमारे हो गए किस किस के अगेंस्ट हम साइबर क्राइम जो है वो होता है. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. इसके आगे चलते हैं हम साइबर ऑफेंस एंड पेनल्टी. तो इसमें क्या है कि कुछ साइबर ऑफेंस है, मतलब किस किस तरह के क्राइम्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हमने वो किस सेक्शन में आता है, किस सेक्शन से रिलेट करता है, ठीक है, और उसके लिए क्या क्या पेनल्टी है. तो टैम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, की किसी कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी करना, वो सेक्शन 65 में आता है. इंप्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर, इसका मतलब होता है कि उसको जेल हो सकती है, ठीक है, 3 साल की जेल और फाइन हो सकता है कितना, 2 लाख तक का, या फिर दोनों ही उसके साथ में हो सकते हैं. हैकिंग द कंप्यूटर सिस्टम, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लेना, ठीक है, यूज सेक्शन 66 में आता है. इसमें क्या हो सकता है, 3 साल तक की जेल विद फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 5 लाख, जो 5 लाख तक एक्सटेंड हो सकता है और हो सकता है कि दोनों ही उसके साथ हो. उसके बाद है सेंडिंग ऑफेंसिव ऑफ फॉल मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस एक्सेट्रा, इट इज ऑल्सो नोन एज साइबर स्टॉकिंग, जिसको हम साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं, जो आता है सेक्शन 66A के थ्रू, और जिसमें क्या हो सकता है, 3 साल तक की जेल और कोई कुछ फाइन भी लग सकता है. उसके बाद है डिसऑनेस्टी रिसीविंग स्टॉलन कंप्यूटर सोर्सेज और कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ठीक है, उसके इसमें होता है, ये 66B में आता है और उसमें हो सकता है 3 साल की जेल या फिर 1 लाख तक के पैसे उसको भरने पड़ेंगे या फिर दोनों, ठीक है. उसके बाद आता है एंटिटी थेफ्ट फ्रॉडेंटली और डिसऑनेस्टी मेक यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पासवर्ड और ये सारी चीज़ों का यूज़ करना, ठीक है, जो सेक्शन 66C के थ्रू आता है, जिसमें 3 साल तक की जेल और 1 लाख तक का पैसा लग सकता है, ठीक है. और चीटिंग बाय
इम्प्रेशंस बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज, किसी कंप्यूटर रिसोर्सेज को चुरा लिया और उसके कुछ चेंज वेंज करके तो उसके साथ कुछ कर दिया। तो 66D में आता है वो, 3 साल तक की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो ये होते हैं, और भी कुछ है, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, किसी की प्राइवेसी के साथ छेड़खानी करना, इमेज ले लेना किसी की और उसके साथ में कुछ उसको इधर उधर से कुछ करके, ठीक है। तो वो आता है हमारा 66E में, जिसमें 3 साल तक की जेल और 2 लाख रुपीज का जुर्माना भरना पड़ सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। साइबर टेररिज्म, ठीक है, जिसमें क्या होता है, किसी भी डेटा को, जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उन सब डेटा वगैरह को चोरी कर लेना और उसके साथ कुछ अलग कुछ गलत कर देना, ठीक है, वो 66F में आता है, जिसमें क्या हो सकता है, विच मे एक्सटेंड टू लाइफ, मतलब पूरी लाइफ भर तक के लिए उसको जेल में रहना पड़ सकता है। पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सेंस मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो 666 के तहत आता है। फर्स्ट कन्विक्शन इन, जिसमें क्या हो सकता है, 3 साल तक की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, ठीक है, और इसको इस मतलब बढ़ाया भी जा सकता है कि 5 साल तक की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद है पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्सेट्रा, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन सब चीजों को देना, जो सेक्शन 66A के तहत आता है, जिसमें क्या हो सकता है, 5 साल तक की जेल या फिर फाइन अप टू 10 लाख, 10 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, ठीक है। और इसके अंदर मतलब और भी होता है कि इसको बढ़ाया जा सकता है, 7 ईयर तक की जेल हो सकती है और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, ठीक है। उसके आगे थोड़ा सा और है, उसको भी देख लेते हैं। पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल डिस्पिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है, जो 67B के तहत आता है, इसमें 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपीज तक का जुर्माना, और इसको बढ़ाया भी जा सकता है, 7 साल तक की जेल या फिर 10 लाख तक का रुपीज देने पड़ सकते हैं। प्रिवेंशन एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इंटरमीडिएट रीज, ठीक है, जो बीच में कोई आता है, जैसे कि इंटरमीडिएट सेल प्रिवेंट एंड रेटिंग सच इंफॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफिक, मतलब कोई कोई 2 पर्सन है, उसके बीच में कोई दूसरा तीसरा आकर मतलब हैक कर लेता है, या फिर कोई मीडिएट बीच में किसी को कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उसको लीक कर देता है, तो उस तरह से, तो 67C के तहत आता है, जिसमें क्या हो सकता है, 3 साल तक की जेल और कोई एक्स्ट्रा फाइन भी भरना पड़ सकता है। उसके बाद है मिस रिप्रेजेंटिंग अबाउट सप्रेस और मटेरियल फैक्ट फ्रॉम द कंट्रोलर और सर्टिफाइंग अथॉरिटी फॉर ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर की, मतलब किसी भी एक सर्टिफाइड अथॉरिटी है उसका कुछ यूज कर दिया, मिस यूज कर दिया, उसको मिस रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो सेक्शन 67 के तहत आता है, जिसमें 2 साल तक की जेल और 1 लाख रुपीज तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं उसके साथ में। ब्रांच ऑफ कॉन्फिडेंटली एंड प्राइवेसी सिक्योरिटी एक्सेस टू एनी कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क, जो सेक्शन 72 के तहत आता है, जिसमें क्या हो सकता है, 2 साल तक का जेल या फिर 1 लाख रुपीज तक का जुर्माना, या फिर दोनों हो सकते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन ब्रेच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उसमें सेक्शन 2 के तहत आता है, 72A के, जिसके अंदर क्या हो सकता है, 3 साल तक की जेल या फिर 5 लाख रुपीज तक का जुर्माना, या फिर दोनों भी उस को देने पड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है नोइंग क्रिएटिंग पब्लिशिंग एक्सेट्रा ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉर एनी फ्रॉड फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस, ठीक है, उसमें क्या हो सकता है, सेक्शन 73 के तहत आता है वो, जिसके जिसके लिए तो 2 साल तक की जेल या फिर अप टू 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, या फिर दोनों चीज। तो यहीं तक थे, और आगे हम पढ़ते हैं साइबर लॉ के बारे में। तो यहाँ पर 3 तरह के लॉ हैं जो हमारी बुक में दे रखे हैं, द इंडियन पैनल कोड 1860। इसमें क्या है कि जैसे कि हमारे जो भारत में मतलब हमारे इंडिया के अंदर पैन मतलब किस तरह का दंड, अगर कोई भी जो दंड है वो फिक्स किया गया है किसी भी मतलब कि अगर कोई ऐसा काम करेगा तो उसको ये दंड दिया जाएगा, कोई ऐसा काम करेगा, तो इस तरह के जो ये दिए हुए हैं तो वो सभी पर लागू होंगे, सिर्फ किसको, जो हमारे सैनिक वगैरह होते हैं उनको छोड़कर। उसके बाद है इंडियन इक्विवेलेंट एक्ट 1872। तो इसमें क्या है कि जो एविडेंस है उसको शामिल किया गया, जो हमारे ईमेल्स वगैरह होते हैं वो भी हमने इसके एविडेंस के तौर पर शामिल किए गए हैं, कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो भी इसको
फुलफिल करेंगे कि मतलब कोर्ट में भी वो चीज चल सकती है, ठीक है। द बैंकर बुकर्स एविडेंस, जिसको हम बीबीई एक्ट 1981 के नाम से भी जानते हैं, तो ये बैंकर से रिलेटेड है कि बैंकर्स में जो हम अपनी रिसिप्ट वगैरह देते हैं तो हम उनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। मतलब कि जो रिसिप्ट बैंकर के पास है, अगर वही रिसिप्ट हमारे पास है, ठीक है, एक बैंकर के पास है और एक कस्टमर है बैंकर का, ठीक है, तो अगर एक रिसिप्ट है कोई भी रिसिप्ट, या इसकी इसने कोई अमाउंट पे करा या कुछ भी, तो अगर वो सेम रिसिप्ट इसके पास भी है, ठीक है, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है या कुछ भी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर ये सेम होगी तभी आप कोर्ट में ले जाकर कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो आप कोर्ट में ले जाकर बता सकते हो कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ कुछ गलत हुई है। लेकिन वो क्या है कि ये जो रिसिप्ट है वो ऑफिशियली होनी चाहिए, कि मतलब इसके पास भी ऐसी, मतलब ये जो बैंक है वो उसी तरह की जो रिसिप्ट है वो देता है, ठीक है। उसके बाद है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन एक्ट 1934, तो ये क्या है, रिजर्व बैंक से रिलेटेड है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको कोई सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।